इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री रामचरित मानस जी में प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माँ के अवतरण की कथा नहीं गाई है। कारण क्या है बाबा जाने सा? सीधे ही वाटिका में प्रवेश कर जाते हैं गोस्वामी जी मेरी माँ को। क्या कारण? जबकि वंदना में विदेह राज का विवरण करते हैं, प्रणमो परिजन सहित विदेहो, मेरी माँ कथा में प्रवेश कर रही एक बार भाव श्रद्धा से बोली किशोरी मैया की जय हो। स्वयंवर की पूर्व संध्या पर प्रातः काल माँ गौरी की पूजा हेतु सुनैना मैया ने सखियों के संग में माँ को भेजा है। माताओं से प्रार्थना है कि बेटियों को शक्ति उपासना में अवश्य रमाओ। इसलिए सिंदूर व्यवस्थित रहे, सदा अचल अहिकर अहिवाता, एहिते जस पई हैं पितो माता। बच्चों को श्री हनुमान जी की उपासना में लगाइए और बेटियों को माँ गौरी की उपासना में अवश्य लगाओ। प्रेम से कोई करता नहीं हो, थोड़ा सा ताड़ कर थोड़ा कस कर संभाल कर लगाओ। सखियां मंगल गीत गाते आई हैं गौरी दरबार, चलाओ सखी को दिया गौरी दरबार। के साथ में पुष्प दल वेल पत्र उतार रहे हैं, सखियों के साथ माँ गई दिव्य सरोवर में स्नान की, वस्त्र आभूषण से सज्जित होकर माँ भवानी जी के मंदिर गई पूजा करने लगी। एक सखी से संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु हरस विवस सीता कहीं। उस चतुर सखी ने आकर कहा, सखी
अरे पूजा जितनी हो गई रुको, क्या है रे? गौरी नगर में दो आए थे जो स्वरूप, आज वो वाटिका में भी आए हैं। कैसे हैं? सखी कहती है जो जिह्वा कह सकती उसके आंख नहीं, और जो आंख देखी है जितना देखी है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो कह सके। इतने समझो बरनत छवि जह तह सब लो अवश्य देखी देखन जो का देख, नेत्रों ने देखा उसके जुबान नहीं, जो जुबान कह सकती उसके नेत्र नहीं। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई चली। भगवान ने पुष्पवाटिका में माँ का दर्शन किया और माँ ने प्रभु का दर्शन किया। प्रसंग बड़ा मधुर है। भगवान अपने मन के सहजावस्था को सुना रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज समझ गए क्यों प्रभु ने पहली बार ये घटनाक्रम सुनाया। रघुवन सिंह कर सहज स्वभाव मन कुपंत पग धरे। मन ही हमारा है, केवल मन, प्राण परमात्मा का है। इस मन को जो जितना अंकुश लगा करके अपने अनुसार चलाएगा ये चलता रहेगा। अब मन ही आना जाना लेना देना मिलना बिछुड़ना इस जन्म में अगले सब तरफ रहेगा। मेरी माँ ने नेत्रों के माध्यम से प्रभु को हृदय में पधरा लिया। सखी ने कहा चलो अभी वंदना अधूरी है, चल के करें। प्रभु ने माँ को जाते जाना तो प्रेम की स्याही से माँ के दिव्य स्वरूप को हृदय पर उभार लिया। परमात्मा ने माँ को हृदय में पधराया। मेरी माँ प्रभु को हृदय में पधरा कर श्री मंदिर में पहुंची। माँ भवानी जी की जय जयकार करने लगी। जय जय यज्ञेश्वर राजकिशोरी जय जय गजबदन गजानन माता देवता सुती यम मातु प्रथम तव महिमायमितन सक सहस सार। हे वाम आपकी सेवा करते चारों फल सुलभ है, आप वर देने वाली हैं। बाबा भोलेनाथ शिव जी की आप प्रिया हैं। देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब सुखारे सुखारे। मेरे मन में क्या है ये मनोरथ आप जानती हैं। आपका सबके हृदय में वास है इसलिए मैं आपसे प्रकट नहीं कह रही हूँ। ऐसा बोलते हुए मेरी माँ वैदेही ने भवानी जी के चरण पकड़ लिए।
मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया, हमारी सेवा जितनी विह्वलता भरी होगी उतनी शीघ्र भगवत कृपा होती है। सेवा का वस्तु से कोई संबंध नहीं है, सेवा का संबंध हमारे हृदय से है। हम जो कर रहे हैं उसमें हम कितने लीन हो पा रहे हैं, हम कितना उतर पा रहे हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मोर सादर सिया बोली गौरी हर सुनी। मेरी माँ ने माँ के कंठ से निकली माला को सिरोधारे किया, भगवान के अर्चा विग्रह से प्राप्त माला कम से कम 24 घंटे अपने घर में सुरक्षित रखनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ज्यादा समझदार लोग हैं, यदि माला उनको मिल गई और साथ में पत्नी है तो पत्नी को पकड़ा देते हैं, पकड़ो। अच्छा तुम तो पहने हो पैंट शर्ट, अब बहू रानी अपनी साड़ी रखावे तो तुम्हारी विपत्ति रखावे, उनको कहो सिर पर रखना पड़े, कहो संहार करना पड़े, तो वो भी पकड़ा देंगे ड्राइवर जी को, भैया ये माला लो। ड्राइवर को क्या श्रद्धा माला में, वो साफ करने के चक्कर में घर पहुंचे तो उधर दादे कूड़ा में। माला देव के कंठ से निकली, ध्यान रखिएगा। देवराज इंद्र को ऋषभ दुर्वासा जी ने एक बार माला दे दिया, उन्होंने सची माई को दे दिया, सची जी ने महावत को दिया, महावत ने हाथी के कंठ में पहराया, हाथी के गर्दन होता ही नहीं है, सपाट होता है। माला गिरी, ऐरावत रौंदते हुए चला गया, दुर्वासा जी लौट के उसी रास्ते आ गए, अरे मेरी माला इंद्र ने क्या किया, शाप दे दिए, तुम पदच्युत हो जाओ। और बड़ी लीला भई, पितामह ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। बाब कहने का ये है, या तो माला कोई दे रहा हो प्रणाम कर लो, महाराज बड़ी कृपा आपकी, का है अब हम अपसेट रहते हैं, हमको ध्यान नहीं रहता है, महाराज किसी और को दे दीजिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।